हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मयंक एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर गोल फॉर गवर्नमेंट जॉब। यहां पर हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान का जो अंतिम वीडियो मैंने डाला था, इससे पहले वाला वीडियो, उसमें हमने भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में पूछा था जो भारतीय संविधान के इतिहास से रिलेटेड थे। कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो मैंने बात डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए कि वो निरंतर रूप से परीक्षाओं में आगामी परीक्षा मतलब पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे भी जाएंगे। तो अब मैं आपसे एक बार कहूँगा कि आप एक बार उनको जाकर देख लीजिए। अब आगे चलते हैं हम। तो आगे हम पढ़ेंगे संविधान सभा, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जो पृष्ठभूमि के बारे में बात करें कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो उसके लिए कैबिनेट मिशन की बात करते हैं। तो कैबिनेट मिशन इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो मार्च 1946 में भारत आया, हुआ क्या था कि उस समय 1946 का जो समय था, उस समय ब्रिटेन में क्या किए थे, चुनाव हुए थे। और चुनाव में क्या हुआ था कि लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बनती है और लेबर पार्टी गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री बनते हैं एटली। तो उन्हीं ने क्या किया था, भारत में जो संविधान निर्माण में जो समस्याएं आ रही थी उनको निपटाने के लिए एक मिशन भारत भेजा था। उस मिशन का नाम ही कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन जब भारत आया था उसमें 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस जो अध्यक्ष थे, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स। इस आयोग की सिफारिश पर ही संविधान सभा का गठन किया गया, यानी संविधान सभा बनाई गई। वो किसकी सिफारिश पर की गई, कैबिनेट मिशन पर की सिफारिश पर की गई। और ये कब भारत आया, 1946 में, यानी 1946 में। अब इसी की आयोग की सिफारिशों पर क्या की गई, पहली बार क्या किया गया, चुनाव करवाया गया। चुनाव जो किए गए वो संविधान सभा के जो चुनाव थे, निर्वाचन कब किया गया, तो 1946 में इनका निर्वाचन कराया गया, जिसमें सदस्य जो निर्वाचित जो सदस्य है वो 389 सदस्य निर्वाचित होते हैं, मतलब चुने जाते हैं, चुनाव जीतते हैं, जिसमें से 292 होते हैं वो प्रांतों से रहते हैं और 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्रों से रहते हैं। तो उस समय जो कमिश्नरी क्षेत्र थे वो थे दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, बलूच, ये कमिश्नरी क्षेत्र थे। 93 देसी रियासतों से चुने गए। और औरतें, क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा का जब निर्वाचन किया गया तो उसमें कितने सदस्य औरतें थी, फीमेल कितनी सदस्य थी, तो 15 थी। कितने में से, 389 में से। इन चुनावों में 200 सीट कांग्रेस को प्राप्त हुई और 73 सीट मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई। सीधी सी बात है, कांग्रेस हिंदुओं का संगठन था और मुस्लिम लीग मुसलमानों का संगठन था। तो सबसे ज़्यादा किसको मिली, कांग्रेस को मिली। तो मतलब क्या है कि संविधान सभा में बोलबाला किसका रहा, हिंदुओं का रहा। तो इसी का किया कि क्या किया गया कि संविधान सभा में जो हिंदुओं का बोलबाला रहा, यानी सबसे ज़्यादा हिंदू रहे, तो मुस्लिम लीग ने इसका क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। फिर क्या कारण यही रहा था, मैंने आपको बताया, हिंदुओं की अधिकता। उसके बाद में क्या हुआ कि एक और रियासत ऐसी थी जिसने संविधान सभा की जो बैठकें चल रही थी उनमें भाग नहीं लिया था, उसके बारे में पूछा जाता है। तो हैदराबाद एकमात्र ऐसी देसी रियासत थी जिसने किसी भी प्रतिनिधि, उसका कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। अब निर्माण प्रक्रिया, संविधान सभा जब गठित हो गई है तो संविधान का निर्माण किस प्रकार से रहा। तो संविधान सभा जब निर्माण गठन हो गया था उसका, तो उसकी प्रथम बैठक जो बुलाई गई थी वो 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई थी। अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया अस्थायी रूप से। स्थायी रूप से तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, लेकिन दूसरी बैठक में बुलाया गया था 11 दिसंबर 1946 में जो बनाए गए थे, वो अंतिम अध्यक्ष जो बना दिए गए थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और उसमें एक उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे जिनका नाम था हेनेंद्र कुमार बनर्जी, जिन्हें एससी बनर्जी भी कहा जाता है, बनर्जी नहीं मुखर्जी को बनाया गया। तो ये पहली बैठक, दूसरी बैठक और तीसरी बैठक महत्वपूर्ण हैं जो संविधान सभा की पूछी जाती हैं। वैसे तो कई सारी बैठकें हुई थी लेकिन इनसे क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको बताया। तीसरी बैठक देखो, तीसरी बैठक मैंने दी गई है। तो तीसरी बैठक जो है वो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें क्या किया गया था, इसमें जो जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव थे उनको क्या कर लिया गया, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने उनको पढ़कर सुनाया, मतलब उनको रखा संविधान सभा के समक्ष। लेकिन संविधान सभा ने उन प्रस्तावों को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया, मतलब स्वीकार उस दिन नहीं किया था लेकिन फिर 1947 में उसको स्वीकार कर लिया। अब संविधान सभा जो संविधान बनाना है उसके प्रारूप के लिए क्या कराया गया कि एक समिति बनाई गई जिसे प्रारूप समिति कहा जाता है। और जो संविधान का जो प्रारूप कैसा होगा, यानी ड्राफ्टिंग कैसी होगी, जिसे मसौदा कैसा होगा, इसका जो सलाहकार थे वो बी एन राव थे, यानी बी एन राव द्वारा इसको तैयार किया गया था। लेकिन अध्यक्ष कैसे निर्वाचित किया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष बने, यानी बाबा साहब। अन्य सदस्य रहे थे तो अन्य सदस्यों के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, कई बार पूछा गया क्वेश्चन, ए के स्वामी अयंकर, डी पी खेतान, उनकी मृत्यु के बाद टी टी कृष्णाचारी,
कृष्णमाचारी सदस्य बन जाते हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर उनकी जगह कौन ले लेता है, टीटी कृष्णमाचारी सदस्य, मतलब वो उनकी जगह आ जाते हैं। और आगे हम देखें तो संविधान सभा 1947 का समय आ गया था और 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हो गया था। और भारत आजाद होने पर क्या हो गया था, मुस्लिम लीग अब संविधान सभा मतलब संविधान सभा से अलग हो गई थी। तो मुस्लिम लीग जब संविधान सभा से अलग हो जाती है तो संविधान सभा में जो सदस्य रहते हैं वो कितने रहते हैं, 299 सदस्य रहते हैं। प्रांतों से कितने रहते हैं, 229, और देशी रियासतों से 70 रहते हैं। प्रमुख समितियों के बारे में बात करें, वह उनके अध्यक्ष तो प्रारूप समिति बाबा साहब, जिसके सलाहकार बीएन राव, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, और झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद। कई बार क्वेश्चन पूछा गया झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति का अध्यक्ष बनते हैं। आगे देखें अंतिम बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी, वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। पूर्ण रूप से लागू इसे कब किया गया संविधान को, 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। क्यों इसी दिन क्यों लागू किया गया, कारण ये था कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया था, और कहाँ मनाया था, लाहौर अधिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, लाहौर अधिवेशन, ऐतिहासिक अधिवेशन कहा जाता है 1929 का लाहौर अधिवेशन। तो उसी दिन कांग्रेस ने क्या मनाया था कि पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया था, इसी कारण इसको 26 जनवरी को लागू किया गया। समय कितना लगा बनने में, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। खर्च कितना हुआ था, 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। और संविधान सभा अपने आप को भंग कर लेती है और परिणित हो जाती है, संसद में परिणित हो जाती है, यानी अब संसद संविधान सभा खत्म कर दी जाती है, अब कौन रहेगी, संसद रहेगी। जैसे लोकसभा राज्यसभा दो अलग अलग हो जाते हैं, उच्च सदन निम्न सदन। महत्वपूर्ण जानकारी के अंतर्गत बात करें तो 22 जुलाई 1947 में भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज था उसे अंगीकार किया गया, यानी स्वीकार किया गया संविधान द्वारा। कब किया गया, 1947 में किया गया संविधान सभा द्वारा, जिसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। मूल संविधान जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में, उस पर उसमें जो 22 भाग थे, पार्ट्स कितने थे, 22 पार्ट्स थे, और शेड्यूल्स यानी 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। और प्रेजेंट टाइम हम देखें तो 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, और 448 क्या हैं, अनुच्छेद हैं, आर्टिकल दिए गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी किसके बारे में, संविधान सभा के बारे में। आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।